ये रही, किसी को लगी नहीं, बथुए की भुजिया आई। और मेरे को खाद के कट्टे तो मिले नहीं है, बहन जी मिल गई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सुबह का दादा बज चुके हैं 7 बज रहे हैं और आज बहुत ज्यादा सर्दी है। पता नहीं सर्दी है और मेरे को तो कुछ ज्यादा ही लग रही है आज गाइस। और मैं अभी जा रहा हूँ कहाँ पे, 15-20 किलोमीटर दूर गांव एक पड़ासली, वहाँ पे जा रहा हूँ एक बंदे को लेने के लिए। मतलब एक ताऊ है, अंकल है, कौन पता नहीं, पहली बार मिलूंगा मैं भी, तो उनको लेने के लिए इसलिए जा रहा हूँ गाइज। मेरी अभी 3-4 दिन पहले एक बहस भी आई थी, तो वो मतलब बोलते हैं कुरेज जाना, हेज जाना गई है, जिसकी वजह से वो दूध नहीं दे रही यार। वो बंदा जो है वो होते हैं जो मतलब पता नहीं कैसे हिजवा देते हैं, तो वो अपने बच्चे का लाड करना शुरू कर देगी, तो उससे वो दूध देना भी शुरू कर देगी। यहाँ से 5 किलोमीटर और बचा है। मुझे रास्ते का तो पता नहीं है, लेकिन पूछता पूछता मैं आ गया। कहाँ कहाँ पे जाना पड़ेगा, खेतों के अंदर है। उनका फोन भी बार बार आ रहा है, बोला भाई आजा, आ रहे हैं भाई। ओरे यार क्या हुआ, अच्छा पीछे झाड़ियाँ थी, झाड़ियों में थोड़ी सी गाड़ी टच हो गई अपनी, तो उससे मैंने सोचा पता नहीं क्या हो रहा है यार। बोरिंग इतनी बढ़िया कूद रही है यहाँ पे, और ये आँच जड़ा रखी है भाई, ये आँच बीचो बीच जला रखी, कोई दिक्कत ना हो जाए यार। वो अंकल आ रहे, शायद वो ही है, मेरे हिसाब से तो वो ही है। A few moments later. तो गाइज आपने देखा ना, बाबा मतलब कि मैं कुछ सामान लेने के लिए चला गया था दुकान में, तो बाबा अंदर शीशे बंद थे, गाड़ी में बैठे थे, और उन्होंने बोला मेरे लिए बीड़ी का बंडल ले आना ही, तो मैं वो लेके आया। तो भाई अंदर आया ना, तो उन्होंने तो अंदर बैठ के बीड़ी फूंक रखी, पूरी गाड़ी के अंदर धुआं ही धुआं कर रखा था। उन लोग के कैसे हिजवाते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अभी जाके देखता हूँ कि कैसे होता है। बाबा ने गाड़ी के अंदर बैठ के दे बीड़ी दे बीड़ी दे बीड़ी। कहाँ जा रही है मैडम? गुड मॉर्निंग। तेरे को एक बात बताऊं, मैं प्रसाद लेने के लिए गया, अच्छा, तो बाबू बैठे हुए हैं, तो बाबू ने बोला यार मेरे एक बीड़ी का बंडल और ले आना। बीड़ी का बंडल ले आया, तो मैं आया तो बाबा ने धुआं ही धुआं मचा रखी गाड़ी के अंदर। बैठो बैठो बीड़ी पीन लो और शीशा बंद। अरे मगो बाबा चल कोई बात नहीं, होता है ना। क्या बात? कुछ नहीं, काम लेट हो गया। अच्छा काम लेट हो गया, जल्दी करूँगा। ओहो वेरी गुड, होना भी चाहिए। तो जाना पड़ेगा, फिर रेस्ट रहेगा, फिर वहाँ जिम मांगा, सारा बच्चा है ना, मुझे भी जिम आएगा ना। मेरी चलो भी रखना है। चलो सकूटी पे आएगी, सकूटी पे छोड़ आऊँ मैं आपको है। हाँ, सकूटी पे छोड़ चलेगा बेटा। मीत आज स्कूल नहीं जा रहा है, अपने आप चला जाता है, लेकिन आज नहीं जा रहा है। अभी बज चुके हैं 12 और 12 बजे आज मैं खाना खा रहा हूँ। इसमें 56 भोग आ गए आज तो। बेसन के लड्डू है, रोटियाँ, ये क्या है रितु? आंवले का अचार है, इसमें खिचड़ी है, इसमें दही है, और यहाँ आलू बैंगन की सब्जी है, बैंगन ले लो आलू ले लो, और इसमें है छाछ। 3 शाम के, और ये पता नहीं आज तो क्या दिक्कत है, मेरे थोड़ा थोड़ा पेट में यहाँ पे दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने नींबू का पानी पिया था। मम्मी अभी नींबू पानी तो बढ़िया रहे। और गाइस आज है ना हमारी मम्मी की एक छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया। वो चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही, बताया भी नहीं। मम्मी की वजह से होगी, और अपनी वजह से तो ना बतावे। पर मम्मी ने तो नु कहती पूरे घेर दो, और उरा आता अपने नू ने घेर लिया। तो गाइज हमारी ये दीवार थी जो ये टूट गई है, और ये मम्मी की वजह से हुआ है गाइज। मम्मी बैठ के अभी हंस रही है, और हम लोग ये रेत, हम लोग क्या, मैं तो सो गया था, पापा ट्रैक्टर लेके गए थे, ये रेत लेके आए थे, आए थे, उन्होंने काम किया था यहाँ पे। उन्होंने एक रेसर डलवा दी थी, बोला कि मैं इसको बिकवा दूंगा, लेकिन उन्होंने बिकवाई तो हाथ नहीं। और ठेले का जैसे ही एक टायर या इस पे आया, इस पे आने के बाद वो सीधा, क्योंकि ट्रैक्टर में ब्रेक तो लगते नहीं है गाइज, और वो सीधा आके धड़ाम से इसमें टिका, और ये ऊपर से पूरा टेढ़ी हो गई। और गाइज ये पूरी टीन इसी पे टिकी हुई थी, देखो ऐसा एक पिलर इधर है, एक पिलर वो आगे है, तो अब ये पूरा पिलर टेढ़ा हो गया, और ये ऐसे हो गया नीचे। ये रही, किसी को लगी नहीं चोट, ये सबसे अच्छी बात रही। और ये पूरा तहस नहस हो गया इधर से। ये छोटे मोटे नुकसान तो चलो होते रहते हैं, तो किसी का हाथ में थोड़ी होता है गाइस। अभी मम्मी लड़ने लग रही है मेरे को भी, पापा को भी लड़ रही है, ये वो है वो। अरे हो जाता है भाई, वो तो घर गृहस्थी में चलता रहता है गाइस। अभी तो गाइस अभी यहाँ से चलते हैं मार्केट की साइड। और किस चीज की? बथुए की भुजिया आई, इसमें नाम का बथुआ है, और बाकी आलू, घिया और आलू क्वान्टिटी बढ़ाने के लिए खा जाता। मम्मी कहती भुजिया बनाई थी कहाँ सीखे ओपिनियन है मम्मी के, ये ओपिनियन है दिमाग सही कौन है निराशा किस बात से। अब हो गया जो तो हो गया, अब वो तो वो थोड़ी अब उस बात को लेकर आप बैठी रहोगे हैं? जाड़ में जब ज्यादा को सिर पे बोझ रहे मैंने तो मैं हमारे सिर पे वजन नहीं है, मम्मी से भी तगड़े पहाड़ है मेरे मम्मी से ज्यादा वजन है मेरे सिर पे। क्या वजन सर सिर पे? ये तो मत छोटी मोटी ये होता रहता है, देखो घर गृहस्थी में अभी हो गया जो तो हो गया, तो आगे के लिए तो समझदारी रहेगी ना हमारे पास भी। अब ये थोड़ी एक दीवार की वजह से आप वो कर लोगे मायूस सा, ऐसा नहीं ना भाई, कोई बात नहीं हो गया ठीक हो जाएगी। यो बताओ मीत ये कैसे हुआ बेटा? यहाँ खड़ा होता है तो बेटे बड़ा पहिया टूट गया। किसने तोड़ा था ये? बाबा जी ने रोक रही थी, बाबा ने जब ये बाबा रोक दिए हो तो बाबा ने तोड़ दियो, बाबा मम्मा जी रोक रही थी बाबा ने ला रोको। तो बेटा माँ जी को तो ट्रैक्टर के ऐसा हाथ लगा कर रोक देना था ना, है ना? हाथ नहीं रोके माँ जी, पापा ने ट्रैक्टर पकड़ के कैसे जाता। वेलकम टू अनदर डे, और आज नेक्स्ट डे है भाई अपने व्लॉग का, और सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं और रितु दोनों हम यहाँ एक्सरसाइज करने। तो आज मेरी इच्छा नहीं हो रही थी रनिंग करने की, लेकिन मैं फिर भी आ गया, फिर भी मैंने कर लिया और रितु यहाँ कर ली अपनी एक्सरसाइज। हाँ पसीने तो आएंगे यार। तो आज रितु की मैंने दौड़ अच्छी लगवा दी, मैंने कि रुकना नहीं है 1.5 किलोमीटर तक, तो तेरे को बिल्कुल नहीं रुकना है। हम ज़्यादा लंबी रेस नहीं लगाते, थोड़ा कार्डियो कर लेते हैं और 1 किलोमीटर की समथिंग हम रेस भी लगा लेते हैं। आज पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा गाइज एक्सरसाइज करने का, लेकिन कर लेते हैं फिर भी। सुबह सुबह अच्छा होता है, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, थोड़ी सी रनिंग की, थोड़ा शरीर गर्म हुआ है तो अच्छी वाइब्स अच्छी आ रही है। और आज सोना था लेकिन ज़बरदस्ती उठा के लाई है रितु। हाँ ये बात तो है, लेकिन हाँ फ्लैश सामने रहता है तो कुछ नहीं दिखता ना आसपास। तो चलो गाइस रितु कर लेती है एक्सरसाइज, मैं भी थोड़ा बहुत कार्डियो कर लेता हूँ। चलो मिलते हैं फिर उसके बाद। घर पे भी कल जो देखा था नुकसान हो गया था उसको भी आज ठीक करना है। क्या जा रहे हो? गाइस एक्सरसाइज करके आने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था, और मीत आज संडे है तो मीत आज स्कूल नहीं जाएगा। मम्मी यहाँ डाल रही मिर्च का अचार, डोलिया बाय, जल्दी आ जाना। गया खेलने। चुके हैं दोपहर के 2 और मैं सुबह से आज नहाया नहीं हूँ। मम्मी ने भी मेरे को धमका के लड़के बोल दिया कट्टे बट रहे हैं खाद के, क्योंकि जमींदार आदमी है तो यार जैसे ये फसल उग रही है तो इसमें खाद डालना बहुत ज़रूरी होता है टाइम से, वरना 6 महीने की फसल ख़राब हो जाती है गाइज। तो अगर जो भाई ज़मींदार हैं जो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही होगा खाद की कितनी अहमियत है, क्योंकि बिना खाद कोई उपज नहीं होती है। और मेरे को खाद के कट्टे तो मिले नहीं है, बहन जी मिल गई खाद के कट्टे तो मिले नहीं, बहन जी मिल गई। तो मैं कैमरा साफ कर लूँ एक बार, बहन जी लेना। हाँ तो मैं और बहन जी अभी चल रहे हैं घर, तो थोड़ा सा बहन जी को भी काम था यहाँ पे, तो ये कुछ थोड़ी देर के लिए आई थी, अभी ये चली जाएंगी। तो बहन जी जिद कर रही है मैं स्कूटी चलाऊंगी, तो मैं कह रहा भाई चला ले कोई दिक्कत नहीं है, अपना तो क्या है, तो एक हाथ पाँव तोड़ देगी और इससे ज़्यादा क्या है तो चला लेगी ना, चल कर स्टार्ट। अभी सर्विस करवाई, तेज ना भगानी, ब्रेक लगाओ पहले। हाँ ब्रेक तो स्टैंड हटा दिया ना। हाँ स्टैंड हटा ले, बस रेस खींचती चले, मैं बैठ जाऊं। तो गाइस देखते हैं। जय माता दी। अच्छे पीछे भी नहीं जाना। अभी हम पहुंच चुके हैं फाइनली घर, और ये मैंने सुबह इसको दीवार को यहाँ नीचे पटक दिया था। पूरी टीन ये यहाँ से उखड़ चुकी है, वहाँ से भी वो उखड़ चुकी है, और इसको मैं करूँगा ठीक। और अभी मैं नहा धो के हो जाता हूँ, ऑल सेट रेडी हो जाता है, क्योंकि यार गाइस सुबह से नींद आया हूँ मैं। सुबह से बहन जी को भी थोड़ा सा काम था, इनके काम के लिए मैं फिर रुका रहा, खाद के कट्टे भी नहीं मिले थे, तो अब मैं नहा धो के हो जाता हूँ फ्री, और अपने व्लॉग का करते हैं यही पी एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए बातों के साथ। इतने बाय बाय।